वेलकम टू द बेबलेट चैनल, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले इस हीट गन का, जिसका आप देख सकते दोस्तों, और ये आते हैं बॉस की तरफ से। और गाइस मैं आपको भी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी तरह से या फिर किसी का भी स्पॉन्सर नहीं करता है। और गाइस तो गाइस सबसे मुझे इस पीसी पैक को गर्म करने के लिए गैस स्टोव का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आज हम इसको ही यूज़ करेंगे। और गाइस ये सब कुछ आपके सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाए, तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहेगा ताकि हमारे चैनल और अच्छे से ग्रो कर पाए। तो चले गाइस इस बॉक्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। सो गाइस ये है मेरा बिलिंग एड्रेस और जिसे मैंने जादू से ब्लर कर दिया ताकि किसी को दिखाई नहीं दे, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ रहता हूँ। और गाइस इसके ऊपर एक लेटर भी दिया गया है जिसके ऊपर लिखा है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑफ टू प्रोटेक्ट दिन मेटा। ओके थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम। चले गाइस कहाँ गया मेरा चाकू, ये रहा, कट करते फटाफट। और शायद ये लेटर भी चल गया, देखते लेटर के अंदर क्या है। तो गाइस शायद मेरा बिलिंग एड्रेस है। ओके ओके इसका आप देख सकते दोस्तों, इसकी प्राइस है 2569। तो इसकी रिटेल प्राइस कुछ इस तरह से देख तो दोस्तों इसकी रिटेल प्राइस है 4100। तो दोस्तों जैसे देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छे से कम भाव में मिला है, तो काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। तो चले देख रहे हैं इस बॉक्स के ऊपर आखिर लिखा क्या है। तो दोस्तों बॉक्स के ऊपर लिखा है डबल इंसुलेशन, वैसे मुझे पता है इसका मतलब क्या, पर शायद इसकी जो कॉइल है वो शायद डबल इंसुलेशन के अंदर रहती है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट बाहर ना निकले शायद। मैं वैसे मेरे को पता नहीं, पर ऐसे अंदाजा लगा रहा हूँ। और हीटिंग प्रोटेक्शन भी है, ओके नाइस स्टेशनरी, तो शायद इसे उल्टा भी रख सकते हैं। और गाइस इसका टेक्निकल डेटा जिसका आप देख सकते दोस्तों, इनपुट पावर है 1800 वॉट, वर्किंग टेम्परेचर 60, शायद इसका मीडियम सबसे नॉर्मल रहेगा 60-350 मीडियम, और सबसे ज़्यादा रहेगा 550 डिग्री सेल्सियस, और इसका वेट है 0.75 kg। तो गाइस मुझे लगता है कि वेट जितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम हो जाना चाहिए। तो चल गाइस खोलते इसको, आखिर इसके अंदर है क्या, कहीं मेरे साथ कहीं स्कैम वेम ना हो जाए, इसे मैं देखा नहीं अभी तक। तो चलिए इसको देखते हैं वहाँ से खुलेगा। अच्छा कर देता हूँ, तो गाइज इसका देख सकते पूरा पेटी एकदम सील है दोस्तों अभी तक, और लिखा है ओरिजिनल बॉक्स, तो ठीक है मुझे लगता है ओरिजिनल वाला ही स्कैम ने हमारे साथ, जो कि बहुत अच्छी बढ़िया बात है। खोलते हैं सील को और इसे भी खोल देते हैं। तो गाइज सबसे पहले निकलता है इसके अंदर से जो कि इसका पता नहीं क्या कहते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है बॉक्स पे, रिड्यूसर नोजल, ठीक है दोस्तों इसे कहते हैं रिड्यूसर नोजल, शायद इसको फोकस करने के लिए। ओके हमें कुछ पैकिंग मिल जाती होगा, शायद ये इसका इंस्ट्रक्शन, वैसे दोस्तों इंस्ट्रक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे काम करते हैं बिना इंस्ट्रक्शन के, काफ़ी मज़ा आता है। तो गाइज इस तरह हमें मिल जाती है एक बॉस की एक हीटिंग गन, काफ़ी अच्छा लगा इसका, शायद खुलता किस तरह से खुलता है, लगता है गाइस मुझे इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि मुझे पता है इसको किस तरह से खोला जाता है। तो गाइस इसकी हम इस पर बॉक्स के ऊपर लिखा गया है, कहाँ गया बॉक्स, क्या लिखा हुआ है, लगता है दोस्तों मुझे इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़े। एक मिनट दोस्तों मैं इंस्ट्रक्शन लेकर आया फटाफट, फिर से लेके आ चुका, जो कि मुझे फेंकना नहीं चाहिए था, पर गाइस कोई बात नहीं, देख लेते क्या है इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पर हम इसके अंदर मिल जाते हैं शायद एक वारंटी कार्ड है दोस्तों, अच्छा इसको मैंने फेंका नहीं, 6 मंथ की वारंटी दे रखी, काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और गाइस इसके बाद देखते क्या है इसके अंदर, सर्विस सेंटर, ओके दोस्तों, तो अगर कहीं इसमें कहीं ख़राब आ गया तो हमें रिपेयर करने कहीं तो जाना पड़ेगा ना। तो गाइस इसका सर्विस सेंटर जैसे देख सकते, कहाँ है मेरा सिलवासा दादर नगर हवेली। तो गाइस मेरा दादर नगर हवेली सिलवासा, तो इसमें दिख तो नहीं रहा है कहीं भी, वर्ड के हिसाब से ही है, इसे कहीं होना चाहिए। तो गाइस मुझे सिलवासा तो नहीं मिला, पर दोस्तों मुझे मिला है यहाँ पे वापी, जिसका आप देख रहे हो दोस्तों, जो कि सिलवासा वापी काफ़ी पास में रहते। तो गाइस कभी ख़राबी आ गई तो मैं वापी जा सकता हूँ इसे रिपेयर करवाने के लिए, जो कि अच्छी बात है। देख सकते हो दोस्तों काफ़ी लास्ट में आया, एकदम लास्ट में वापी आया दोस्तों। तो दोस्तों यही है शायद इसके इंस्ट्रक्शन, चल कर देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। वैसे ज़्यादा मैं आपको वेट नहीं करवाऊँगा, टाइम पास ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, चल गाइस फटाफट से देख लेता हूँ बस ऊपर एक बार। तो गाइस ये वो शायद, हाँ ओके दोस्तों हीटिंग टेम्परेचर, तो दोस्तों फर्स्ट 60, सेकंड 350 और सबसे लास्ट वाला 550, जो कि बहुत ही मैक्सिमम पार पे 550 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस बस यही था, और इसके एक्सटेंशन कोड पता नहीं कितनी लंबी चल गई, देख लेते हैं। एक्सटेंशन कोड चल गाइस इसी के अंदर पढ़ लेते, एक्सटेंशन कोड आखिर कितनी लंबी है इसके अंदर,
तो दोस्तों फाइनली मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, और गाइस मैं पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, बहुत ही बोरिंग होता है, पर गाइस मुझे पढ़ के पता चला कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर इसके एक्सटेंशन कोड के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। तो दोस्तों टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास है मेजर टेप, तो चलो दोस्तों पता लगाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस एक्सटेंशन कोड का लेंथ पता लगा लिया, और गाइस वो है 260 सेंटीमीटर्स, और गाइस इसको फुट में गिनेंगे तो आएगा 8.5 फुट, अगर इसको मीटर में गिनेंगे तो आएगा 2.61 मीटर्स। तो चल गाइस इसे करते प्लग और शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग। सब फ्रेंड्स अभी हम करने वाले टेस्टिंग, और गाइस उसके लिए मैं 3 पाइप्स का यूज़ करने वाला। तो गाइस सबसे पहले पीसी पाइप और गाइस यूपीवीसी पाइप, और गाइस इस हीट गन को यूज़ करने के लिए आपको कुछ इस तरह का अडेप्टर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके बिना आप इसे प्लग नहीं कर पाओगे। तो गाइस ये बहुत ही जरूरी है, इसका आपको खरीदना ही पड़ेगा कुछ इस तरह से, इसके बाद ही आप इसे प्लग कर पाओगे। चल गाइस फटाफट से करता हूँ प्लग और टेस्टिंग करते शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले हम टेस्टिंग करने वाले इस पीसी पाइप के साथ, और गाइस इसका टेम्परेचर हम रखने वाले 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे नॉर्मल है कुछ इस तरह। तो गाइस ये ऑन हो चुका है, जैसे कि आप सुन रहे हो दोस्तों, ये ऑन हो चुका है। चल गाइस इसे टेस्ट करते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस पर ये पीसी पाइप को फ्लेक्सिबल कर पाता है नहीं। चल गाइस देखते हैं। तो गाइस कोयल धीरे धीरे गर्म हो रही है फिलहाल, तो अंदर से ठंडी हवा आ रही है, पर जल्दी गर्म हो जाएगी हवा, उसके बाद हम इसे टेस्टिंग करेंगे। तो गाइस मैं धीरे धीरे महसूस कर पा रहा हूँ, हवा धीरे धीरे गर्म आ रही है अंदर से। सो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता है कि 60 डिग्री सेल्सियस पर हम पीसी पाइप को गर्म करके फ्लेक्सिबल कर पाएंगे। तो गाइस मुझे लगता है कि मुझे इसका पावर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चल गाइस चलते हैं 350 डिग्री सेल्सियस पर। तो गाइस मैंने बढ़ा दिया, मैंने इसमें कर दिया 350 डिग्री सेल्सियस। चल गाइस अभी देखते हैं कितना गर्म होता है। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा आ रही है, तो गाइस मुझे लगता है अभी ये आराम से पीसी पाइप को गर्म कर पाएगा। चल गाइस टेस्टिंग करते हैं शुरू। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, बहुत ही अच्छे से पीसी पाइप को इसने गर्म करके एकदम फ्लेक्सिबल कर ले। तो गाइस 350 डिग्री सेल्सियस बहुत ही अच्छे से पीसी पाइप को गर्म करके फ्लेक्सिबल कर सकता है। चल गाइस देखते हैं अब सीपीसी पाइप को ये फ्लेक्सिबल कर सकता है 350 डिग्री सेल्सियस पर। चल गाइस देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसने बहुत ही अच्छी तरीके से सीपीसी पाइप को एकदम गर्म करके फ्लेक्सिबल कर लिया। जैसे कि देख पा रहे दोस्तों, मैं इसे फ्लेट कर पा रहा हूँ, जैसे देख सकते दोस्तों 350 डिग्री सेल्सियस पर से काफ़ी अच्छी तरीके से सीपीसी पाइप को गर्म करके फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। चल गाइस आप देखते हैं यूपीसी पाइप को ये गर्म कर पाता है या नहीं 350 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, पर दोस्तों अभी तक फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है। चल गाइस थोड़ी देर तक और उसको गर्म करके देखते हैं फ्लेक्सिबल हो पाता है या नहीं। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे दोस्तों 350 डिग्री सेल्सियस पर ये सीपीसी पाइप, आई मीन जो यूपीसी पाइप, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाए, बहुत ही अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाता है। जैसे कि देख पा रहे दोस्तों, अब हम इसे अच्छे से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं 350 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो गाइस इसमें फुल पावर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस मुझे लगता है 350 डिग्री सेल्सियस पर काफ़ी अच्छे से काम कर सकता है। चलो गाइस आज का एक्सपेरिमेंट हो गया सक्सेस, और गाइस हमें पता चल गया कि हीट गन बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सीपीसी पाइप को गर्म करके फ्लेट कर सकते हैं। तो गाइस मुझे लगता है कि अब से हमारा जो काम करने का तरीका वो थोड़ा सा बदल जाएगा, और काफ़ी थोड़ा जल्दी भी काम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी मुझे गैस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस मुझे लगता है कि हमने हीट गन को खरीद कर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो इसे मैं कर देता हूँ ऑफ, कर देता हूँ अनप्लग। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अनबॉक्सिंग पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चल दोस्तों मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।